हेलो गाइस, माय नेम इज नितेश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आईपीएल चल रहा है और कुछ दिनों में T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है। सो बेसिकली क्रिकेट फैंस के लिए मजे हैं और ऑनेस्टली आई एम अ ह्यूज क्रिकेट फैन और आई फॉलो क्रिकेट अ लॉट। एंड रिसेंटली मतलब मैं जब आईपीएल के मैचेस देख रहा था तो नॉट ओनली आई वॉच इट ऑन टीवी, आई ऑल्सो फॉलो इट ऑन एन ऐप कॉल्ड ESPN क्रिक इन्फो। शायद आपने नाम सुना होगा। सो इस ऐप को मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, पिछले 7-8 सालों से। और रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि ये जो ऐप है या वेबसाइट है जो इनकी, ये बहुत ही डेटा सेंट्रिक अप्रोच लेके चलने लगी है। सो पिछले कुछ सालों में इन लोगों ने क्या किया है, IIT मद्रास के किसी स्टार्टअप के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके कुछ मॉडल्स क्रिएट किए हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट किए हैं, जिनको इन लोगों ने अपनी वेबसाइट में एज फीचर्स ऐड किए हैं। तो उनमें से एक मॉडल अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, वो मॉडल क्या करता है कि जैसे ही कोई मैच चल रहा है, लेट्स से आईपीएल का कोई मैच चल रहा है, तो जैसे ही सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती है फर्स्ट इनिंग्स के बाद, तो हर ओवर के बाद इनका वो मॉडल क्या करता है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी बताता है दोनों टीम्स का। जैसे फर्स्ट इनिंग्स में CSK ने बैटिंग कर लिया और सेकेंड इनिंग्स में अब मुंबई इंडियंस बैटिंग कर रहा है, तो फर्स्ट ओवर के बाद जो भी अभी मैच का करंट सिचुएशन है उसके बेसिस पर मुंबई इंडियंस के जीतने का कितना प्रोबेबिलिटी है और CSK के जीतने का कितना प्रोबेबिलिटी है। इनफैक्ट लेट मी शो दिस फीचर टू यू। ऑल्दो अभी कोई मैच चल नहीं रहा है इस पॉइंट पे, बट मैंने एक जुगाड़ करके उस टाइम का एक पेज खोला है। जैसे कि कुछ दिन पहले 30th September को ये मैच हो रहा था बिटवीन CSK एंड सनराइजर्स हैदराबाद, और सनराइजर्स ने 134 रन्स मारे थे। और CSK का इस पॉइंट पे अगर आप बात करो तो आफ्टर 10.4 ओवर्स जो स्कोर है दैट इज 79 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, दिस इज द फीचर दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे जो विन प्रोबेबिलिटी लिखा है ना, यहाँ पे विन प्रोबेबिलिटी में लिखा है कि CSK का इस पॉइंट पे इस मैच का जीतने का प्रोबेबिलिटी 96% है और SRH का सिर्फ 4% है। अब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो रन्स बढ़ेंगे, विकेट्स चेंज होंगे, तो इन सारी चीजों को कंसिडर करके ये मॉडल पूरे टाइम आपको एक विनिंग प्रोबेबिलिटी बताता है दोनों टीम्स के लिए, ठीक है। तो आई वॉज क्यूरियस अबाउट दिस फीचर, सो दैट्स वाई वॉट आई हैव डन इज कि मैंने IPL का डेटा सेट निकाला कैगल से और उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं इसको कुछ फाइन ट्यूनिंग कर रहा हूँ अभी, तो अभी 1-2 दिन और लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके वीडियो में डालने में, बट एक बेसिक वर्जन मैंने रेडी कर दिया है तो मैं आपको वो वर्जन इसमें दिखा रहा हूँ। दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ डेमो वीडियो, सो आई विल जस्ट शो यू द वेबसाइट जो मैंने बनाया है और फिर मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और वो क्वेश्चन एक्चुअली आपसे हेल्प मांगने के लिए है, आई नीड योर हेल्प। सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट कैसे काम कर रही है। सो यू कैन सी दिस इज द वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे कुछ चीजें मांग रहा हूँ, बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम, करंट स्कोर, कितने विकेट्स आउट हो गए हैं, कितने ओवर्स खत्म हो गए हैं, टारगेट क्या है और कहाँ पर मैच हो रहा है। सो मैंने क्या किया, मैंने सेम इस मैच के जो इनपुट थे वो मैंने एज इट इज डाल दिए। चेन्नई सुपर किंग्स बैटिंग कर रही है अगेंस्ट सनराइजर्स, 79 का स्कोर है और अभी एक विकेट आउट हुआ है, 10 ओवर्स कंप्लीट हुए हैं, टारगेट 134 का है और शारजा टारगेट एक्चुअली 135 का होना चाहिए, टारगेट 135 का है और मैच शारजा में हो रहा है। फाइंड विन प्रोबेबिलिटी एंड यू कैन सी मेरा मॉडल बोल रहा है कि चेन्नई के जीतने का चांस है 99% और सनराइजर्स के जीतने का चांस है 1%, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा मेरा मॉडल गलत है इन कंपैरिजन टू देयर मॉडल, ये थोड़ा ज्यादा फाइन ट्यून्ड मॉडल है। बट एक चीज मैंने जो नोटिस की जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो कि ये मॉडल हर चीज को कंसिडर कर रहा है, जैसे कौन सी टीम बैटिंग कर रही है। सो लेट्स से अगर मैं CSK के बदले कोई ऐसी टीम लूँ जो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जिनका, लेट्स से मैंने किंग्स 11 पंजाब लिया सेम सिचुएशन में और फाइंड विन प्रोबेबिलिटी पे क्लिक किया एंड यू कैन सी किंग्स 11 पंजाब का विनिंग स्कोर एज इन विन प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है सेम सिचुएशन में CSK के कंपैरिजन में, क्योंकि CSK इन जनरल आउट परफॉर्म कर देती है आपका बाकी टीम्स को। सेम गोज विद आई गेस RCB भी अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो थोड़ा तो कम रहेगा, या अगेन 96%। और अगर लेट्स से मैं CSK रखूँ यहाँ पर,
और मैं बॉलिंग टीम को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लूँ. ऑल दो सनसनराइजर्स भी एक अच्छी बॉलिंग टीम है, बट लेट्स से हमने मुंबई इंडियंस रखा, और अब अगर हम विन प्रोबेबिलिटी पे जाएं तो ये देखो थोड़ा सा बढ़ गया बिकॉज मुंबई इंडियंस थोड़ा सही खेलती है. अब एक काम करता हूँ, मैं आपको कोई और डिफरेंट मैच सिचुएशन पे लेके जाता हूँ. लेट्स से सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा है और करेंट स्कोर है 100 फॉर 4 विकेट्स और ओवर्स कंप्लीट हो गए हैं 11, टारगेट है 187 और वेन्यू है लेट्स से मुंबई, मुंबई में मैच हो रहा है ठीक है. और विन प्रोबेबिलिटी अब देखते हैं, सो चेन्नई का 40% है और मुंबई का 60% है ठीक है. अब अगर मैं विकेट्स को घटा के 2 कर दूं तो चेन्नई का 71% चला गया, विकेट्स को घटा के अगर मैं 8 कर दूं तो चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत कम चांस है, 5% चांस है. एंड सेम गोज विद अदर फीचर्स एज वेल. तो ऐसा नहीं है, ये मॉडल सही काम कर रहा है और आई एम एक्चुअली एक्साइटेड. एक बार ये काम करने लगा था तो आई गॉट एक्साइटेड. बट मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए कि आप लोग कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट करना होगा तो आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल में, आपको आउटपुट तो पता है मशीन लर्निंग मॉडल का आउटपुट क्या होगा, दोनों टीम्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है. अब आपको ये बताना है कमेंट में लिख करके कि आपको क्या लगता है कि इनपुट कॉलम्स क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली अपने अपने मॉडल को क्या इनपुट दोगे तो ये मॉडल काम करने लगेगा, अच्छा काम करने लगेगा ठीक है. मैं आपको अभी अपने फीचर्स नहीं बता रहा, वो मैं आपको प्रोजेक्ट बनाने के टाइम बताऊंगा. इस पॉइंट पे आप मुझे बताओ और लेट्स सी अगर आपसे कुछ हेल्प मिल पाए तो वी कैन इम्प्रूव दिस मॉडल ठीक है. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके शूट करके एडिट करने में मुझे अराउंड 48 आवर्स लगेंगे, तो मैं इसको परसों तक अपलोड कर पाऊंगा. आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड अगर आप क्रिकेट फैन हो तो ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.